साथियों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा है जो अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च त्याग के लिए हमें प्रेरित करती है। ये लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा है जो हमें स्वराज्य को सुराज्य में बदलने में पूरी निष्ठा से जुटने के लिए दिन रात जगाती है, दौड़ाती है। ये ज्योतिबा फुले का दर्शन है जो हमें सामाजिक न्याय को निरंतर मजबूत करते रहने का मार्ग दिखाता है। ये बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारी आस्था ही है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को हमने नए भारत के विकास का मूल मंत्र बनाया है। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। भाइयों और बहनों, वहीं दूसरी तरफ कौन है, जरा एक एक चेहरा याद कीजिए। ये वो लोग हो जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का कदम कदम पर अपमान किया, उनको दशकों तक भारत रत्न से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को पूरी तरह लागू करने के प्रयासों के विरोध के पीछे भी ऐसे ही लोगों की दुर्भावना है।